हाँ तो गाइस, आज मैं आप लोगों को इस तरह का क्रिकेट जर्सी बॉय नेम वाला वीडियो बनाकर बताने वाला हूँ। आप लोगों ने देखा होगा अभी के टाइम पे इस तरह का वीडियो इंस्टाग्राम रील पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। इस वाली वीडियो का एडिटिंग लाने में थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए माफी, लेकिन मेरे पास काफी सारे लोगों का डिमांड आ रहा था तो लाना पड़ा। और अभी ट्रेंड में भी चल रहा है, अब आपको बनाना कैसे एंड किस एप्लीकेशन से बनाना है, एक एक स्टेप के साथ कम्प्लीट एडिटिंग बताने वाला हूँ आगे वीडियो में, तो ध्यान से देखना है। अब देखो, सबसे पहले आपको इमेज क्रिएट करना है जर्सी नेम वाला, तो उसके लिए आपको गूगल कोरम को ओपन करना है। जैसे ही आप कोरम ब्राउजर को ओपन करोगे, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे सर्च में जाना है। अब आपको यहाँ पे जो मैं सर्च कर रहा हूँ ना, आपको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पर आप लिख देना इमेज क्रिएटर फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट, इस तरीके से आप सर्च कर देना है। यानी कि यहाँ पर मैं आपको जूम कर दिखा देता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे सर्च किया है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेम टू सेम सर्च करना है इमेज क्रिएटर फॉर माइक्रोसॉफ्ट बिंग। तो जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करोगे, आपको फर्स्ट नंबर पे एक वेबसाइट मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो जो फर्स्ट वाला वेबसाइट है ना, तो सिंपल सी आपको इसके लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके लिंक पर क्लिक करोगे फर्स्ट नंबर की वेबसाइट पर, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा जर्सी नेम वाला इमेज कैसे बनाना है। उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ टाइप करना पड़ेगा जो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर ज्वाइन एंड क्रिएट पे क्लिक करोगे, अब आपको आगे देखना है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल वगैरह डालकर साइन इन वगैरह करना है, तो कोई भी इशू नहीं है, आप सिंपल से यहाँ पर लॉगिन कर लेना, बहुत ही सिंपल है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को एक प्रॉब्लम शो होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब भी आप यहाँ पर अपना अकाउंट बनाने जाते हो, तो काफ़ी सारे लोगों को ये वाला प्रॉब्लम शो होता है, जैसे कि यहाँ पर जब आप ईमेल डालकर नेक्स्ट करते हो तो कुछ इस तरह का एरर आपके सामने आता है। लेकिन भाई ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको घबराना नहीं है। आपको यहाँ पर नो अकाउंट लिखा है, उसी के पास में आपको क्रिएट वन लिखा है, तो सिंपल से आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहां पे क्लिक करोगे, अब आपको एक नया ईमेल यहां पर क्रिएट कर लेना है। तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं, जैसे कि आप ईमेल डाल देना, देन आपको नेक्स्ट करना है। अब आपको यहां पर अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है। तो जैसे आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालकर यहाँ पर कुछ कोड वगैरह आएगा, यानी कि जैसे आप अपना ईमेल क्रिएट करते हो ना, सेम टू सेम स्टेप फॉलो करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना एक अकाउंट बना लेता हूँ, आप भी अपना एक अकाउंट बना लेना। उसके बाद आपके सामने जैसे आप अकाउंट को कम्प्लीट क्रिएट कर लोगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब देखो, अगर आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आता है तो आप उसको कट कर देना, अगर टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ आता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लिखा हुआ आता है ना तो आप उसको कट कर देना। अब देखो, आपको यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है, इसमें आप लोगों को जो लिखना है ना, वो मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, यानी कि नोट में यहाँ पर टाइप किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो आपको इस टेक्स्ट को कॉपी करना है टेलीग्राम चैनल से, या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में से आप कर लेना। कमेंट बॉक्स में आपको इस तरह का टेक्स्ट मिल जाएगा, अगर आप लोग वहाँ से कॉपी नहीं कर पा रहे हो किसी रीजन के कारण, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक काम करना, जैसे मैंने लिखा है ना, आप सेम टू सेम कॉपी कर लेना, यानी कि नोट कर लेना, अपने कीबोर्ड से टाइप कर लेना। अब देखो, जो टेक्स्ट मैं आप लोगों को दूंगा ना, उसमें यहाँ पर टिप्स लिखा होगा, साथ में यहाँ पर नंबर लिखा होगा, यानी कि जर्सी का नंबर। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसे कि यहाँ पर जो टिप्स लिखा है ना, वहाँ पर आप लोगों को टिप्स को कट कर अपना नेम लिख देना है, जो भी नेम है जर्सी के पीछे, जो भी नेम आप लगाना चाहते हो वो वाला नाम आप लोगों को यहाँ पे टाइप कर देना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर टिप्स ही रहने देता हूँ। अब देखो, यहाँ पर जो नंबर है, जैसे कि जर्सी नंबर, तो यहाँ पर मैंने 35 लिखा है, तो आप 35 को कट कर जो भी आप अपनी पसंद का नंबर यहाँ पर डालना चाहते हो वो वाला नंबर आप डाल देना। तो फिलहाल यहाँ पर मैं 35 ही कर देता हूँ। अब 35 का मतलब रीजन क्या है भाई, देखो मेरा 35,000 सब्सक्राइबर है, तो मैंने उसी को देखकर यहाँ पर डाल दिया है। तो यहाँ पर 35 मैंने डाल दिया है। साथ में आप लोगों को इसी चीज़ का ध्यान रखना है, अपना नाम और जर्सी का नंबर अपने हिसाब से डाल देना है। उसके बाद आपको सभी टेक्स्ट को कॉपी करना है, देन आप लोगों को यहाँ पर बॉक्स में आके इसको पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट आपको क्रिएट कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर टेक्स्ट को पेस्ट कर क्रिएट करोगे, तो आपका जो इमेज है ना, यहाँ पर बना कर दे देता है। थोड़ा सा लोडिंग यहाँ पे चलेगा, उसके बाद आपको 4 इमेज कम से कम यहाँ पर एक बार में बना कर दे देता है। अब देखो, यहाँ पे एक सिस्टम है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो 14 लिखा है ना, तो आप लोगों को यहाँ पे 15 बार मौका मिलता है, यानी कि 15 बार आप फ्री में इमेज को क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी एक बार पहले कर लिया था, 2 बार मैंने यहाँ पर इमेज को क्रिएट कर लिया है, तो मैं 13 बार और कर सकता हूँ अभी। अब देखो, आप लोगों को 4 इमेज में से जो भी इमेज पसंद आ रहा है उस पर क्लिक करना है। इमेज पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिएगा 3 डॉट मिलेगा, 3 डॉट पे क्लिक कर आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो जैसे ही आप अपनी पसंद के 4 इमेज में से किसी एक इमेज को डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर इसका PNG बनाना है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आपको होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ऊपर की साइड में। जैसे आप ब्राउजर के होम पे आओगे, अब आप लोगों को सर्च में जाके यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव लिख के सर्च करना है। जैसे आप यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव लिख के सर्च करोगे, अब आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे एक वेबसाइट मिलता है, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ बैकग्राउंड रिमूवर। तो आप लोगों को फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पे वेबसाइट ओपन होगा, तो आपको यहाँ पे अपलोड इमेज मिलेगा, तो अपलोड इमेज पे जाना है। आपकी फाइल में से जो आपने क्रिएट किया था इमेज, तो वो वाला इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे PNG बना देता है। थोड़ा सा लोडिंग प्रोसेस चलेगा, उसके बाद आपके इमेज को PNG बना देगा। अब आपको इमेज को डाउनलोड करना है, तो आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ से बैक आना है। अब देखो वीडियो बनाना बहुत ही सिंपल है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना भाई स्टेप फॉलो करना है। इस वाली वीडियो को एडिट करने के लिए अलाइट मोशन बेस्ट रहेगा, तो मेरे पास अलाइट मोशन एप्लीकेशन ऑलरेडी है, तो यहाँ पे ओपन करता हूँ। अनादर एप्लीकेशन से बना सकते हो लेकिन अलाइट मोशन से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आपके पास है तो ओपन करना है, प्लस पे जाना है। अब आपको इंस्टाग्राम रील वाली साइज में करना है 9:16 में। नेक्स्ट यहाँ पर जो बैकग्राउंड है उसमें ब्लैक वाला कलर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप कर देना क्रिएट प्रोजेक्ट। अब जैसे आप इसको क्रिएट प्रोजेक्ट करोगे, अब आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लस पे जाओगे, अब आपको जाना है मीडिया वाले सेक्शन में। अब देखो आप लोगों ने जो माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट से इमेज को बनाया था वही वाला इमेज यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद अगर आपका सही से यहाँ पे स्क्रीन पर ऐड नहीं हो पा रहा है तो आप मूव पे जाके इसको सही से एडजस्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर जो इमेज का लेयर है, तो इमेज का लेयर आप लोगों को जैसे कि आप कितने सेकंड का वीडियो बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर एग्जांपल मैं यहाँ पे 7 सेकंड का बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेता हूँ। अब अगर आपका क्रिकेट वाला बॉय है तो आप लोगों को यहाँ पे क्रिकेट वाला वीडियो सिलेक्ट करना है। तो लेयर की स्टार्टिंग में आना है, प्लस पे जाके मीडिया पे जाना है। अब आपका जो भी क्रिकेट वाला वीडियो का क्लिप होगा तो आप लोगों को वो वाला क्लिप यहाँ पे ऐड करना है। आपको क्रिकेट वाला वीडियो काफ़ी सारा मिल जाता है पिंटरेस्ट एप्लीकेशन में सर्च करने पर, या फिर यूट्यूब पर भी काफ़ी सारा वीडियोज मिल जाता है। अब देखो आप लोगों को यहाँ पर जो भी क्लिप आप लोगों ने क्रिकेट का ऐड किया होगा, सबसे पहले आप उसके वॉल्यूम को ऑफ कर देना। बाकी आप लोगों का जो इमेज का लेयर है वहीं तक आप लोगों को क्रिकेट वीडियो के लेयर को रखना है। दोनों लेयर के टाइमलाइन को फिक्स करने के बाद आपको यहाँ पे जो क्रिकेट वाला वीडियो है ना इसको टीवी में ऐड करना है जो बॉय के आगे चल रहा है। उसके लिए मूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको मूव पे जाने के बाद यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन है इससे आप वीडियो को छोटा कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे जो रोटेट वाला ऑप्शन है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। रोटेट की मदद से आप अपने वीडियो को यहाँ पे सीधा कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे देखिएगा, तो इसकी मदद से आप अपने वीडियो को यहाँ पर टीवी जो है ना टीवी के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। अगर आपका मूव पे से वीडियो का क्लिप टीवी में सही से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को थोड़ा बहुत एडजस्ट यहाँ से कर लेना है। अभी देखो यहाँ पर वीडियो का जो क्लिप है ना टीवी में सही से एडजस्ट नहीं हुआ है, तो इसको सही से एडजस्ट करने के लिए आप लोगों को जाना है एडिट सेव पे। जैसे आप एडिट पे जाओगे, अब आप लोगों को यहाँ पे एक्स और वाई मिलता है, तो जैसे आप एक्स वाली ओपेसिटी को बढ़ाओगे तो आपका जो वीडियो का क्लिप ना यहाँ पर लंबा हो जाएगा, जैसे कि आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना टीवी के अकॉर्डिंग। यानी कि आप एक्स और बाई की मदद से यहाँ पर वीडियो को सही से एडजस्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर कंप्लीट तो मैंने नहीं किया है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो क्लिप को ऐड करने के बाद आपको लेयर के स्टार्टिंग में आना है, प्लस पे जाके मीडिया पे आना है। अब आप लोगों ने जो इमेज को पीएनजी बनाया था ना वो वाला पीएनजी वाला इमेज यहाँ पे ऐड करना है। तो आप लोगों को जो बॉय है ना बॉय के जस्ट ऊपर आप लोगों को लगाना है, मुंह पे जाके आप सही से एडजस्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर मुंह पे जाके आप सही से लगा देना पीएनजी वाले इमेज को, जो पहले वाला इमेज था ना बिल्कुल उसी के जस्ट अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपको पीएनजी वाले बॉय के लेयर को बाकी लेयर के टाइमलाइन के हिसाब से एडजस्ट कर देना है। अब अगर आपका वीडियो का क्लिप थोड़ा बहुत और टीवी में एडजस्ट करना है तो आप एडिट सेव पे जाके आसानी से यहाँ पे कर पाओगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, तो आप आसान तरीके से यहाँ पे बना सकते हो। अब देखो आपका वीडियो तो कंप्लीट बन चुका है, लेकिन अब रहता है छोटा सा काम, तो वीडियो के स्टार्टिंग में आना है, प्लस पे जाके आप लोगों को टेक्स्ट पे जाना है। अब अगर आप इसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हो तो वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल मैं आप लिख देता हूँ आई लव इंडिया टीम, तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद आपको ऊपर की साइड में काफ़ी सारा ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे कलर पे जाके आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर देना। रोबोटो रेगुलर पे जाके आप यहाँ पर फॉन्ट वगैरह को चेंज कर देना। अब आपने यहाँ पे जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखा होगा उसको आप वीडियो के ऊपर या फिर नीचे ऐड कर देना, आप मूव पे जाके सही से उसको एडजस्ट कर पाओगे आसानी से। ध्यान दें अगर आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है तो टेक्स्ट वाला जो लेयर है ना उसका टाइमलाइन आप लोगों को जितना भी आपका बाकी का लेयर है सेम उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को रखना है। बाकी आप अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी फिर मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो की तैयारी में, आप जाने से पहले भाई वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए अपना ध्यान रखें, बाय।